नमस्कार, इंजीनियरिंग न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, तो इस वक्त बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सीधे सामने आ रही है पृथ्वीपुर से, जहां पर इस वक्त आपको बता दें कि उपचुनाव का मतदान प्रतिशत जो है लगातार एक करके सामने आ रहे हैं, और दोपहर एक बजे तक के मतदान के आंकड़े अब तक के सामने आ चुके हैं। तो उपचुनाव को लेकर के लगातार सुबह से ही मतदाता मतदान केंद्रों में जा रहे। जोबट विधानसभा में 40.61% का यह आंकड़ा बताया जा रहा है। रेगांव में वहीं 44% के ऊपर यह आंकड़ा है। वहीं पृथ्वीपुर पर अगर आप गौर करेंगे तो 53.90% ये आंकड़ा बताया जा रहा है। तो उपचुनाव को लेकर के जो मतदान प्रतिशत है, मतदान प्रतिशत भी आपको बता रहे हैं कि करके दोपहर एक बजे तक के जो मतदान के आंकड़े सामने आए हैं। ऐसे में अगर खंडवा लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 25.23% यह आंकड़ा बताया जा रहा है, जबकि रेगांव विधानसभा 44.52% का मतदान अभी तक हुआ है। दोपहर एक बजे तक ये आंकड़े सामने आए हैं। पृथ्वीपुर विधानसभा में 53.90% यह आंकड़ा बताया जा रहा है चुनाव को लेकर के, यानी कि मतदाता लगातार मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं अपना मतदान करने के लिए। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो प्रत्याशी है, तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत की चाबी हम कह सकते हैं, वो मतदाताओं के हाथ में ही है। और आज अगर मतदाता अपने घरों से बाहर निकलते हैं, मतदान केंद्रों तक जाते हैं, अपने मत का इस्तेमाल करते हैं और मतदान किया जाता है, तो फिर ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सियासी तौर पर तख्ता पलट कई जगहों पर हो सकता है, क्योंकि एक लोकसभा 3 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। सबकी निगाहें फिलहाल इस चुनाव को लेकर के टिकी हुई हैं, क्योंकि खास तौर पर फोकस सबका खंडवा सीट है, क्योंकि लोकसभा सीट और मुख्य सीट भी माना जा रहा है, हॉट सीट है। और ऐसे में जो 3 विधानसभा सीटों की हम बात कर रहे हैं, चाहे पृथ्वीपुर हो, रेगांव हो, और ऐसे में पृथ्वीपुर और रेगांव में खासतौर पर ये देखा जा रहा है कि जो एक वोट प्रतिशत है, कहीं ना कहीं इसका वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले अगर देखा जाए तो पहले का मुकाबला बीजेपी के खेमे में ज्यादा आता हुआ सामने आ रहा था। लेकिन अब अगर बात की जाती है तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। वहीं अगर जोबट विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए, जोबट विधानसभा में अभी तक जो मतदान हुए हैं इसको लेकर के भी जो जानकारियां सामने आ रही है, ये कहा जा रहा है कि केवल 9 प्रत्याशी ऐसे और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें, चुनाव समिति की तरफ से एक बड़ा बयान इस बीच में जारी कर दिया गया है। ये बड़ा बयान भी आपको बता देते हैं कि क्या कुछ बयान जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह है चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक, ये कहना है। और ऐसे में मंत्री भूपेंद्र सिंह का वोटिंग को लेकर के बड़ा बयान सामने आया है। 70% तक मतदान होने का दावा किया गया है, और साथ ही बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक का ये जो बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 70% वोट अब तक डाले जा चुके हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति संयोजक का ये बड़ा बयान इस वजह से भी माना जा रहा है, और क्योंकि इसे इम्पोर्टेंस इस वजह से भी दी जा रही है, क्योंकि जो अभी तक जो आप लोगों के सहयोग से बेहतर मतदान हो रहा है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छा मतदान हो रहा है, सभी फील्ड में गांव गांव जाके देखा हूँ सुबह में 5 बजे से, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। तो खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति का जो बड़ा बयान इस बीच में सामने आया है, ये कहा जा रहा है कि देखिए, जो जिस तरीके से लोग लगातार सुबह से ही मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, अपना अपना मत दे रहे हैं, अब ऐसे में ये दावा किया जा रहा है कि 70% तक मतदान अभी तक हो चुके हैं। हालांकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, आंकड़े इससे काफी ज्यादा अलग सामने आ रहे हैं। तो अब तक के 44.41% मतदान हुए हैं कुल। प्रतिशत का मेरा अनुमान, देखिए, प्रतिशत का मेरा अनुमान है कि 65-70% तक प्रतिशत आएगा। देखिए, प्रतिशत का मेरा अनुमान है कि 65-70% तक प्रतिशत आएगा। देखिए, प्रतिशत का मेरा अनुमान है कि 65-70% तक प्रतिशत आएगा। देखिए, प्रतिशत का मेरा अनुमान है कि 65-70% तक प्रतिशत आएगा। देखिए, प्रतिशत का मेरा अनुमान है कि 65 से 70 परसेंट तक
प्रतिशत आएगा। तो अगली बड़ी जानकारी आपको टीकमगढ़ से जुड़ी हुई दे देते हैं। दरअसल टीकमगढ़ से एक अनोखी खबर सामने आई है और ये कहा जा रहा है कि एक ऐसा मतदाता जिसकी उम्र 105 साल के करीबन बताई जा रही है और इनका नाम है भगवान दास दुबे, जिन्होंने अपना मत दिया है। यानी कि 105 साल के एक बुजुर्ग जिनका नाम भगवान दास बताया जा रहा है, वो खुद मतदान केंद्र तक पहुंचे अपना मत का प्रयोग करने के लिए। तो टीकमगढ़ के पृथ्वीपुर विधानसभा के उपचुनाव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगवान दास दुबे, जिनकी उम्र 105 साल बताई जा रही है, भगवान दास दुबे ने मतदान किया है। और ऐसे में हमारे संवाददाता ने दीपक अग्रवाल ने खास बातचीत भी की है, देखिए। आज ब्रजवानपुरा टीकमगढ़ से 50 किलोमीटर दूर पर है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, 105 साल के हो चुके हैं, उन्होंने कई आज़ादी की लड़ाइयों में हिस्सा लिया है। आज इनका नाम भगवान दास दुबे के नाम से जिला टीकमगढ़ में और कई आसपास के क्षेत्रों में जाना जाता है। दादा, जो आज मतदान हो रहा है, तो इस चीज में आप क्या मानते हैं कि क्या जो आज़ादी के बाद जो चल रहा है मतदान केंद्र क्या है जी? मतदान केंद्र क्या है? मतदान केंद्र शासकीय व्यवस्था है, उसके सरकार पूरी तरह से व्यवस्था करके लोगों को बताती है, लोग उस व्यवस्था को देख करके बहुत प्रसन्न खुशी होते हैं और इसको आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ईश्वर से आप सबसे प्रार्थना है कि हमारे गांव के लोग जो है सब वो और अधिक अच्छे शिक्षित हों, महिलाएं भी उसका लाभ मिले, जिससे गांव का नाम अच्छा हो। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ कुलभूषण सक्सेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, आपसे जानकारी चाहेंगे कि अब तक के वोट परसेंटेज क्या कुछ सामने आ रहे हैं? उपचुनाव का महापर्व है और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट में इस समय वोटिंग जारी है। अगर 1 बजे तक की अगर हम बात की जाए तो 1 बजे तक जोबट में 40.61% जो है वोटिंग हुई है। इसके साथ ही रेगांव की बात की जाए तो 44.62% और पृथ्वीपुर में 53.90% वोटिंग हुई है। क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से 2018 में इन सीटों में वोटिंग परसेंटेज काफी कम रहा था और इस उपचुनाव में ये देखा जा रहा है कि जो मतदाता हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से वोटिंग की शुरुआत हुई थी। मतदाता अपने मत का उपयोग यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं और बूथ केंद्रों पे भी जो है लंबी कतार देखी जा सकती है। सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब वो वोट डालें। और सुबह के वक्त हालांकि ये देखा जाता है कि धूप काफी कम होती है, लोगों के पास कामकाज कम होते हैं, तो अपने घरों से निकल के लोग बूथ केंद्र में पहुंचते हैं और यहाँ पे अपने मत का उपयोग करते हैं और वोट डालते हुए नजर आते हैं। तो यही स्थिति देखने को मिली कि 7 बजे से लेके तकरीबन 11 बजे तक जो परसेंटेज था, वोटिंग परसेंटेज था, वो सबसे अधिक देखने को मिला और अब जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे घटता हुआ नजर आ रहा है। 1 बजे से 5 बजे की अगर बात की जाए तो 1 बजे से 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज रहता है वो काफी कम रहता है। 6 बजे तक जो है वोटिंग जारी रहेगी और उसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। और 2 नवंबर को ये देखने वाली बात होगी कि जो दीपावली का महापर्व है वो बीजेपी में मनता हुआ नजर आएगा या कांग्रेस में। लेकिन इस समय मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट, 1 लोकसभा सीट में वोटिंग जारी है। पृथ्वीपुर जोबट रेगांव में आपसे भी जानना चाहेंगे कि सबसे अधिक जो वोट परसेंटेज सामने आ रहा है ये महिलाओं का है, पुरुषों का है, या फिर जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है उनकी तरफ से वोट आ रहा है देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर बात की जाए अब बीजेपी कांग्रेस की, तो दोनों ही पार्टियों ने जो है दमखम के साथ चुनाव लड़ा है। हालांकि कांग्रेस जरूर बीजेपी से पिछड़ती हुई नजर आई है, क्योंकि जहाँ एक तरफ बीजेपी की बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस उपचुनाव में 39 सभाएं जो है संबोधित की थी। इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने 32, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यहाँ पे 29 जनसभाओं को संबोधित किया है और सचिन पायलट ने 3
जनसभाओं को संबोधित किया है, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ी हुई है। और बीजेपी की अगर बात की जाए तो आज जिस प्रकार से प्रदेश बीजेपी कार्यालय से मॉनिटरिंग की जा रही है, वहीं कांग्रेस कार्यालय में इस समय ताले लगे हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस के कुलभूषण, यहां मैं आपसे एक और चीज जानना चाहूंगी। कुलभूषण, जिस तरीके से सुबह से ही मतदान तो मतदान केंद्रों में चल रहा है, लेकिन ऐसे में आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि युवा वर्ग सबसे पहले सामने आ रहे हैं या फिर जो वोट प्रतिशत अभी तक पड़ रहा है, ऐसे में क्या महिलाएं सबसे सामने आ रही हैं या फिर पुरुषों में वो उत्साह देखा जा रहा है और मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं, यह आंकड़ा सबसे अधिक किसका है? बिल्कुल, क्योंकि 3 विधानसभा सीट है और 1 लोकसभा सीट है, यहाँ पे आम जनता जो है वो अपना प्रतिनिधि चुनते हुए नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि उनका प्रतिनिधित्व कौन होगा, किसे वो जो है अपने क्षेत्र की जो सीट है उस सीट की गद्दी में जो है बिठाना चाहेगी। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो एक युवा है, जो उनपे उत्साह देखने को मिल रहा, सुबह से ही लंबी कतारें देखने को मिल रही है युवाओं के साथ साथ महिला और जो बुजुर्ग हैं, क्योंकि कई ऐसी विधानसभा की पोलिंग बूथ हमने देखी जहां पे 100 वर्ष के ऊपर भी जो काफी बुजुर्ग हैं, 102 वर्ष के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 105 वर्ष के हैं, वो भी यहाँ पे अपना मत का उपयोग कर रहे हैं, बूथ केंद्रों में पहुंचे हैं और वो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अगर कोविड की गाइडलाइन की बात की जाए तो यहाँ पे जो बूथ केंद्र हैं, यहाँ पे जो अधिकारी हैं आयोग की तरफ से जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, वो पीपी किट पहन के बैठे हुए हैं। इसके साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी बूथ केंद्रों में की गई है। जो भी व्यक्ति अपने सबसे पहले वो पोलिंग बूथ में पहुंच रहा है, वो वोट डाल रहा है, उसके बाद जो है सैनिटाइज किया जा रहा है, तो प्रॉपर व्यवस्था जो है चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। अभी तक अगर देखा जाए 1 बजे तक वोटिंग परसेंटेज 3 विधानसभा 1 लोकसभा सीट में काफी अच्छा रहा है। अब 1 बजे से 6 बजे के बीच देखने वाली बात होगी कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ता है, लेकिन 1 से 6 के बीच जो अक्सर हम देखते हैं हर इलेक्शन में धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आता है, लेकिन इस पूरे इलेक्शन की बात की जाए तो अभी तक जो परसेंटेज किया जा रहा है कोविड को लेकर भी, क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करना सभी के लिए बेहद अनिवार्य है। आपसे एक और चीज यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया कि कई जगहों पर से अभी तक के वोट प्रतिशत जो है वो बेहतरीन साबित हो रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये कांग्रेस को खुली चुनौती दी थी और उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ हो लेकिन चारों खाने चित करेगी बीजेपी इस बार कांग्रेस पार्टी को, यानी कि पूरी तरीके से धराशाही कांग्रेस पार्टी को करने की तैयारी बीजेपी ने की थी। क्या लगता है इस बार के वोट प्रतिशत के बदौलत कि क्या वाकई कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से पिछड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो पृथ्वीपुर में जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज सामने आया है, 50 के ऊपर परसेंटेज पहुंच चुका है। इसके साथ ही 1 बजे तक हम रेगांव जोबट की भी बात की जाए, खंडवा लोकसभा सीट की भी बात की जाए, तो परसेंटेज लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर 70 के ऊपर परसेंटेज बढ़ेगा तो दोनों ही जो राजनीतिक पार्टी है कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर यहाँ पे रहेगा, क्योंकि लोग उत्साह से जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि वो किसे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन उसके पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे जिस प्रकार से बीजेपी ने विकास कार्यों के दम पर चुनाव लड़ा है, वहीं विपक्ष ने भी मजबूती से जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ऐसे तमाम मुद्दों के साथ चुनाव लड़ा है, तो देखने वाली बात होगी कि जो एक हर वर्ग होता है, मिडिल क्लास से लेके गरीब वर्ग की बात की जाए, युवा वर्ग की बात की जाए, महिलाओं की बात की जाए, तो वो किसे जो है अपना प्रतिनिधि चुनते हुए नजर आएगी। लेकिन फिलहाल इस समय एक अलग ही उत्साह जो है मतदाताओं में देखा जा रहा है, क्योंकि 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज आया था वो 50% के ऊपर पहुंच चुका था। 2018 के इलेक्शन के बात की जाए तो 18 में जो वोटिंग परसेंटेज था पृथ्वीपुर जोबट रेगांव में, वो 1 बजे तक 50% का आंकड़ा छू नहीं पाया था, लेकिन इस उपचुनाव में ये देखने को मिल रहा है कि बढ़चढ़ का लोग हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कोविड की दूसरी लहर समाप्त हुई है और ऐसी स्थिति में दोबारा लहर ना आए मध्य प्रदेश में, इसका भी विशेष तौर पर ख्याल रखा गया है। तमाम जो बूथ केंद्र बनाए गए हैं वहां पे प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज की व्यवस्था की गई है। जो बूथ केंद्र है वहां पे पीपी किट पहन के आयोग के अधिकारी बैठे हुए हैं। इसके साथ ही सबको सोशल डिस्टेंस
डिस्टेंसिंग के साथ एक एक करके जो है वोट डालने के लिए बूथ केंद्रों के अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि जो व्यवस्था आयोग की तरफ से की गई है वो प्रॉपर तरीके से की गई है। सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात की जाए तो 16,000 से अधिक पुलिसकर्मी जो है तीनों विधानसभा सीट एक लोकसभा सीट पे लगे हैं। इसके साथ ही कर्मचारी वर्ग भी तकरीबन जो उनका आंकड़ा है वो 20,000 के ऊपर है। तमाम जो फोर्स हैं वो लगी हुई हैं। अभी तक अगर 1 बजे की हम बात की जाए तो किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिली है। बूथ कैप्चरिंग सहित जरूर यहाँ पे 1-2 शिकायतें ईवीएम खराब होने की सुबह के वक्त मिली थी, लेकिन अभी शांतिपूर्ण तरीके से जो है जी बिल्कुल ठीक। बहुत धन्यवाद आपका कुलभूषण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वाकई ये बहुत गौर करने वाली बात है कि अभी तक का जो आंकड़ा है वो पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार का आंकड़ा का जो चुनाव को लेकर के जो प्रतिशत सामने आ रहे हैं, मतदाता लगातार मतदान केंद्रों पर जाकर के अपना मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में इस बार के जो चुनाव प्रतिशत है वो बेहद सफल साबित हो रहे हैं, क्योंकि 50% का आंकड़ा 1 बजे के बाद से पार कर चुका है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि शाम 6 बजे तक आखिर कितने मतदाता अपने मतों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर भी अब जान लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आपको बता देते हैं, पृथ्वीपुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अधिक से अधिक अपने मत का प्रयोग करें, ये उनका अधिकार है, और किसी भी तरह के लोगों के डरावे में, धमकाने में, प्रेशर में ना आए, वो खुले दिल से, क्योंकि ये इनके भविष्य का मत है। जनता को मत अपने भविष्य के लिए देना है, सोच समझ कर मत करें, किसी लोभ लालच में डरने से नहीं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की जनता जागरूक है, समझदार है, वो किसी डरने में, प्रेशर में नहीं आएगी, ना लोभ लालच में आएगी, और जनता उसका साथ देगी जिसके परिवार ने, जिसके पिता ने 40 वर्ष जनता की सेवा की, हमेशा सच्चाई का साथ दिया, हमेशा न्याय के साथ रहे, और उनको पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक तरफ वो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी से जो उत्तर प्रदेश का रहने वाले हैं, जिसका घर किसी ने देखा नहीं है, अभी 3-4 साल से लोग देख रहे हैं। दूसरी तरफ वो प्रत्याशी है जिसके परिवार ने, जिसके पिता ने 40 वर्ष सेवा की है, और जो संकल्पित है जनता की सेवा के लिए, इस क्षेत्र की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे अहम मुद्दा इस वक्त है कि एक प्रत्याशी जो बाहरी है, एक प्रत्याशी जो समाजवादी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, क्या गारंटी कल किसी और पार्टी में चले जाएं और जनता को धोखा दे दें। और दूसरी तरफ वो प्रत्याशी जिसके पिता ने हमेशा एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया, और उनका बेटा एक समर्पित कार्यकर्ता के नाते जनता की सेवा करेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, प्रत्याशी के ऊपर सरकार का आशीर्वाद भले ही है, लेकिन इस जनता के बेटे के ऊपर रामराजा सरकार का आशीर्वाद है, और जीत जनता की और रामराजा सरकार के आशीर्वाद की है। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तक तमाम उपचुनाव से जुड़े हुए अपडेट्स पहुंचाने की कोशिश लगातार हमारी टीम कर रही है, और इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए इंटरव्यू के साथ।